टीवी का जन्मोत्सव है, इसके संबंध में मैं बहुत सार संक्षेप में जो टिहरी का इतिहास लिखा है, गढ़वाल का इतिहास, टिहरी के जो चौथे रौथे राजा अर्थात प्रताप शाह जी और महारानी बुलेरिया के पुत्र कीर्ति शाह जी, कीर्ति शाह जी के यहाँ जो महामंत्री थे रतुड़ी जी, तो रतुड़ी जी ने एक पुस्तक लिखी है गढ़वाल का इतिहास, उसमें टिहरी का बड़ा सुंदर वर्णन किया, मैं निवेदन कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन टिहरी का किया है। और टिहरी के बारे में कहा जाता है कि यह अपभ्रंश हुआ है तिरहरी का, तिरहरी जो संयुक्त वर्ण है त्रा, उस पर इकारांत लग करके छोटी की मात्रा लग करके त्रि हुआ, ये त्रि तीन का प्रतीक है और हरि हरने का प्रतीक है। संस्कृत में जब इसके शब्द रूप चढ़ेंगे तो त्रिहरी का अर्थ होगा तीन तापों को हरने वाली। ये तीन ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। इस दैहिक, दैविक और भौतिक ताप पर बहुत ये काम मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि ये बच्चियां स्वीकृता करें जो हमारी कलश लेकर खड़ी हमारी छात्राएं हैं, क्योंकि समय के अनुशासन का अंकुश है हमारे कार्य। श्री पीडी
मैं सबको जानता नहीं नहीं सबने बोलना है, चाहे कोई छोटा है आपने बोलना है, सबने बोलना मेरे को, जो नहीं बोलेगा फिर मैं वही जाऊंगा जाऊंगा, सबने बोले ये फोनी फैन बैठेगी इनको बोलना है, सबने बोलना भाई बड़ा छोटा सब बोलेंगे, स्वर्ग से सुंदर प्यारी है, स्वर्ग से सुंदर प्यारी है, सबका नाम लूंगा, सीमा जी आप दो नाम लेंगे ठीक है, स्वर्ग से सुंदर प्यारी है, तीन का गौरव ना के रहेंगे, तीन का गौरव ना के रहेंगे, अब हाथ नीचे करेंगे, अब बिना हाथ उठाए बोलेंगे, मानो भंडारी अमर है, इतने विद्वान व्यक्ति हैं और मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है प्रथम जो पहला कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे बच्चे 9:30 बजे यहाँ पर पहुंच चुके थे, उसके बाद झांकी निकली तो वे नगर की वीथिकाओं में भी उन्होंने झांकी में सहभाग किया, प्रतिभाग किया, मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो कि दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद होना था, सुरगंगा संगीत विद्यालय नई टिहरी के विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के द्वारा, तो स्वागत की औपचारिकता के कारण थोड़ा लंबित हुआ हुआ कार्यक्रम, मैं बहुत ही सम्मान और आदर के साथ सुरगंगा संगीत विद्यालय जो कि लब्ध प्रतिष्ठित विद्यालय है इस नगर का, उसके विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की
होता लाल तू मेरी लिए हिमला चोरी तुझे मामू नीले टांगे का दीदे हिमला हम तुम होता लाल तू मेरी लिए हिमला चोरी तुझे मामू नीले टांगे का दीदे बांदी रा।
हमारी पहचान तेरी जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और अभी वो है कुछ सीन तैयार से आप सब खातर अपनी ओर से प्रशासन की ओर से बधाई देता हूँ कि तेरी जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम रखा। और एक बात है कि जो लोग अपनी जड़ों को भूल जाते हैं उनका अस्तित्व नहीं रहता है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी परंपराओं को जान पा रहे हैं, जो बलिदान इस धरती ने दिए हैं उस बलिदान को याद कर पा रहे हैं, जिन्होंने भी इस तेरी प्रदेश को हरा भरा करने में अपनी भूमिका निभाई है, हम उनको आज याद कर पा रहे हैं। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ क्योंकि हम सब लोग का सामूहिक उद्देश्य है। माननीय विधायक और प्रतापनगर की हमारे साधन में आपका भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि और भी मैं देख रहा हूँ जो हमारे सभी दलों के लोग हैं, मैं उन सभी का प्रशासन को उसे धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और जो सामूहिक भावना यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश का, इस क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास होगा। माननीय विधायक जी हमेशा इस प्रयास में लगे रहते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव हो या यहाँ पर टनल निर्माण का हो या कोटी में जो अभी एक एकेडमी बन रही है, हमेशा एक प्रयास रहता है। मेरे पास जब भी फोन आता है तो मुझे हमेशा ये लगता है कि किसी न किसी नए प्रस्ताव को लेकर माननीय विधायक जी ज़रूर हमें ये कहते हैं कि भाई अभी ये काम को आगे बढ़ाइए, तो हम उनके मार्गदर्शन में चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मेरी तरफ से हमेशा सहयोग रहता है और चूँकि आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बच्चे काफ़ी तैयारी करके साथ आए हैं, एक उमंग का एक उत्साह का दिन है, तो मैं समझता हूँ मैं अपनी वाणी को ग्रहण करता हूँ और सर से मैं आज्ञा भी चाहता हूँ कि मैं बाकी काम निपटा लूँगा। धन्यवाद। कोई नहीं, आपको और भी काम करने धन्यवाद जिलाधिकारी जी तक हम तक सबकी तरफ से आप धन्यवाद पहुंचा देना क्योंकि आपको भेजा वो है नहीं तो खुदा जी। श्री विक्रम सिंह चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के पीछे हमारे बच्चों ने जो अपना बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी हैं, इसके
श्री सुनील पुरनाना जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे श्री आनंदमणि पहलवानी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम इतना अच्छा रहा, इसके पीछे हमारे विधायक जी की जो सोच है, मैं गदगद हो गया। हमारे ऐसे प्रतिनिधि हमारे बीच होंगे तो निश्चित रूप से टिहरी का बहुत विकास होने वाला है। आप लोग जरा जोरदार तालियों से विधायक जी का भी जोरदार स्वागत करेंगे, और यहाँ पर जितने भी लोग गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम भी ले रहा हूँ, सभी को मैं जो है अंशिया जी को सभी को मैं बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने प्यारे बच्चों का, अपने प्यारे नन्हे उन्नों का, मैं इतना जो है जिन बच्चों ने इतनी अच्छी संस्कृति अच्छी प्रस्तुति दी है, ये जो यहाँ पर अभी पर्यावरण का ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो थी, मैं अभिभूत हो गया हूँ। मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। हमने देखा एक्चुअल इसको तो अब तक पिक्चर के रूप में बन जाना चाहिए। विश्वेश्वर सजलानी जी और हमारे सुदेव सुमन जी, हम सबका प्रयास होना चाहिए। हमको समय समय पर सरकारों से भी निवेदन करना चाहिए, और हर स्तर से जब कभी हम कोई चिट्ठी लिखें, जब कोई पत्र लिखें, तो इनका इन पर डॉक्यूमेंट्री भी बननी चाहिए, पिक्चर भी बननी चाहिए, और ऐसे योद्धा संभवतः आगे पैदा हो पाए। अगर होंगे तो आप सबका नाम भी रोशन होगा, लेकिन जो हमारा इतिहास है वो गौरवान्वित है, उसको आगे हम सजो के रखेंगे, इस पर हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक की प्रेरणा देने वाले हमारे यशस्वी विधायक माननीय किसान उपाध्याय जी, और अभी प्रतापनगर क्षेत्र के अपने लोकप्रिय विधायक विक्रम सिंह नेगी जी, हमारे दोनों प्रमुख बहने सुंदर जी और शिवानी जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेरे पुण्य स्रोत डॉक्टर उमेश सिंह नेगी जी, सुषमा उनियाल जी, यहाँ पर सभी लोगों के सम्मानित नेतागण, पत्रकार बंधु, और मेरे साथ कार्यक्रम के जो दो विशेष मुझे श्री पी दुनिया जी यहाँ पे जाए और श्री सिंह ऋषि यहाँ पे जाए, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सम्मानित हमारी माता बहने, इसके बाद तुरंत 10 मिनट के बाद दफाई कार्यक्रम पूर्ण होने वाला है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। हमने यहाँ पर माननीय विधायक जी, दोनों हमारे विधायक हैं गिरीश, तो विधायक जी से फिर बात करूँगा। एक मेरा अनुरोध है, मेरी पीड़ा है, हम लोग देहरादून जाके बस सकते थे, हम लोग देहरादून जाके बस सकते थे, हम दिल्ली जाके भी रह सकते थे। हमने पुरानी टीम में संघर्ष किया, विक्रम सिंह नेगी जी भी कह रहे थे ना कि मैंने पुरानी टीम में छात्र, मैं भी छात्र नेता रहा हूँ, और मैं भाई जी से कभी लड़ता भी था, मैं एवं भाई जी से लड़ाई भी मेरी, हम इंटरन पढ़ते थे, भाई जी छात्र के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, लेकिन हम लड़े किसके लिए, समाज के लिए, छात्रों के लिए। हम लोग अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, कोई वामपंथी हो सकता है, कोई दक्षिणपंथी हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, इस देश का निर्माण, इस नई दिल्ली का जो गौरव है उसको हम पुनः कैसे लौटाएंगे। विधायक जी, मैं अल्मोड़ा जाता हूँ तो सांस्कृतिक नगरी के जगहों पर जिला होता है, कई जगह से जाता हूँ, मैं गाँव में मैं देखता हूँ, फिर मुझे अपनी पुरानी दिल्ली याद आती है, हमारा बसंत का मेला होता था, खिचड़ी संभाग का मेला होता था, लोग भारत की ओर फिलहाल के तटों पर नहाते थे। आखिर ये हमारा कसूर क्या है विधायक जी, हमारा कसूर क्या है, हमने अपने घर डुबाया, अपना गांव डुबाया, अपना पुल डुबाए, खेत डुबाए, और हमें मिला नई दिल्ली शहर, इस नई दिल्ली शहर को कौन सजेगा, कौन संभालेगा, इसके लिए मैंने संकल्प लिया है। हमारे किशोर उपाध्याय जी, इस कार्यक्रम से पहले हमने यहाँ पर एक मेहती मेला कार्यक्रम कराया है, मेहती मेला का मेरा जो कार्यक्रम का परिणाम था, जून में सारी बहने यहाँ आती है, मेरा छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जून में यहाँ आता है, अपने क्लास के लोग मिल सके, हम लोग एक दूसरे के साथ मिल सके और चिंतन करें इस नैत्री का, इस नैत्री का भविष्य कैसे होगा, इस नैत्री के लिए भगवान नहीं आने वाला है, इस नैत्री को सुंदर और स्वर्ग से सुंदर मेरी नैत्री और कोई नहीं बनाएगा, हम लोग बनाएंगे, ये यहाँ पर बैठे हुए नेता बनाएंगे, आप बनाओगे, ये हमारे यहाँ पर माननीय विधायक बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी, हमारे प्रधानमंत्री विधायक जी हैं, विधायक जी हैं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, पर सब पीड़ा
से आते आते नहीं ठिकाती है और प्रताप नगर से आते आते यहाँ दम तोड़ देती है। मेरे आंसू आते हैं। आखिर उस बहन का कसूर क्या है? उसका कसूर क्या है? माँ बनना क्या पाप है? क्या हमने तो किसी महिला से जन्म लिया है? तो मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी, आप हमारे दोनों समाज विधायक हैं, यहाँ पे ये पार्किंग बन रही है यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने, उसके ऊपर 2, 5, 10 कमरे बनाइए आप, ताकि जिस कहने की प्रस्ताव होना है 10 दिन पहले 15 दिन पहले यहाँ आ सके। उसको प्रधानमंत्री नहीं आने दे, ये सारी रात से आने से वो अपना दम न तोड़ दे। मेरे आंसू आते हैं जब मैं सुनता हूँ कि फलानी महिला प्रताप नगर से आते आते फिलहाल से आते आते रस्ते में उसने दम तोड़ दिया। तो फिर आप सब लोग विधायक जी, आप हमारे दोनों बड़े विद्वान विधायक हैं, हॉस्पिटल के ऊपर पार्किंग बनी, उसके ऊपर जगह खाली है, उसके ऊपर आप विधायक नहीं थे, जैसे भी आप लोग तो मेरे से ज्यादा जानते हैं। और हम ज्यादा मेरे समय की बात है, इसके बाद गर्म दाल भात भी है, भट्टू की दाल भी है और मीठा भात भी है। हम लोगों ने बोले हैं हमारे मेरे से अच्छे से भक्त है, यहाँ पे जीतराम भाई जी हमारे रायपुर गुरु है, हमारे मोरेलाल खड़वा जी हैं, वो एक छात्रावास चलाते हैं, 48 बच्चों को पालते हैं, बहुत बड़ा उत्तर में प्रणाम करता हूँ, उनके लिए ताली बजाओ सब लोग। 48 बच्चे यहाँ पर छात्रावास चला रहे हैं, उनका मैं भी धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा बोलते हैं यहाँ अगर मैं ज्यादा बोलूँ तो उन्होंने लोग भाषण देने लगे हैं, कुछ पीड़ा है हमारी नई ट्री की। इस नई ट्री को आध्यात्मिक नगरी बनाना है, शास्त्रीय नगरी बनी है और पर्यटक नगरी बनाना है। घूमने के लिए अपनी पत्नी के साथ उन बच्चों के साथ चौकी धानी एक जगह है, जैसे हमारा स्टेडियम है उसका बिल है, उसका एंट्री है 1000 रुपये पड़ता है एक आदमी जाने के। और अंदर राजस्थान में लोग ऊंट में कैसे बैठते हैं, राजस्थान के लोग रोटी कैसे बनाते हैं, राजस्थान के लोग कैसे घास काटते हैं, ये सब है। मैं चाहता हूँ माननीय विधायक जी ऐसे हमारे नई ट्री में बने, ताकि पर्यटक आता है और यहाँ कुछ नहीं है, ताकि नई ट्री में झील है, झील है, लेकिन नई ट्री में क्या है, पर्यटक क्यों आएगा? एक तो यहाँ पर सबसे पहले रूप में विधायक जी के प्रयास से सरकार कर रही है, और दूसरा भी उन्होंने भी बताया कि इंटरनेशनल खेल कूद होंगे वो सब झील में होंगे, लेकिन नई ट्री में लोगों ने यहाँ होटल बना रखे हैं। हम लोग होटल किस देंगे, अपनी फैक्ट्री से तो ना देता हूँ भाई, यहाँ काम नहीं है, यहाँ के दुकानदारों को बुला रहे हैं, ठीक है? तो अगर कर्मचारी के पास दुकान नई ट्री की दुकानें चल रही है, राशन पानी ला रहे हैं ना कर्मचारी, तो नई ट्री शहर के बड़े खराब हाल है, इसको हम संजोरेंगे संभोरेंगे। और एक नारा मैं पुनः लगाता हूँ, क्योंकि बोलने में बहुत अच्छी बातें हैं, गंगा की कसम जमुना की कसम, सब लोग बोले मेरे साथ, उत्साह से बोले जब हम नौजवान है, भारत नौजवान देश है, हमारे विधायक जी भी जब उनके नौजवान की बात करते हैं किशोर उपाध्याय जी फिक्रम जी, गंगा की कसम जमुना की कसम, जब भाई जो नहीं बोलेगा फिर बेटा भाग नहीं मिलेगा, सब बोलेंगे बच्चों। प्रभु जी आप बोलेंगे, राकेश पांडे जी हमारे मित्र हैं, गंगा की कसम जमुना की कसम, गंगा की कसम यमुना की कसम, ताना बाना बदलेंगे कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, जुर्म जमाना बदलेंगे, जुर्म जमाना क्या है, जुर्म जमाना यही है कि हमारी बहन जो रास्ते में दम तोड़ रही है, चाहे वो छात्र घर जाते हैं दम तोड़ती है, चाहे प्रताप नगर से आते हो तोड़ती है, या धनसर जाते हो, विधायक जी इस जमाने में बदलना है। विधायक जी आप लोग दोनों विधायक धन्यवाद आगे और पुनः नई ट्री की हमारे शहर ऐसा गौरव लौटाएंगे, जन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वर्ष में। तीन विधानसभा के माननीय विधायक जन उत्सवकारों से जुड़े हुए उनका यह मंच पर आभार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परिषदों के लिए उत्सव के बारे में सब लोग बता चुके हैं, पर मैं समझता हूँ कि माननीय विधायक जी के प्रयास से टीवी का जन्म शायद आज हुआ है, आज टीवी का जन्म हुआ है, 28 दिसंबर 1922 को टीवी का प्रजन हो गया है 2022 में। इससे पहले टीवी का किसी ने जो है सोचा नहीं था, लेकिन आपकी भावनाओं का कदर करते हुए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में इस 22 के बाद हर साल आपके मार्गदर्शन में आपके सहयोग से टीआरडीसी के सीएसआर मद से ये कार्यक्रम बहुत भव्य होगा और ये अंदर न होकर के ये अच्छे प्रांगण में बड़े प्रांगण में होगा, ये मैं आशा करता हूँ। जहाँ तक विधायक जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है,
कि उसमें मुझे अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि मेरा किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं, ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। तो मैं बीच का आदमी हूँ और मैं भले आदमी के साथ रहता हूँ हमेशा। जो भला व्यक्ति है मैं उसके साथ तन मन धन से रहता हूँ। मैं किसी पार्टी को नहीं देखता हूँ, मैं व्यक्ति विशेष की पूजा करता हूँ। माननीय विधायक जी, जब मेरे पास 2001 में विपदा पड़ी थी, मेरी लड़की का मर्डर हुआ था, उस समय किसी भी विधायक सरकार, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के पास भी हम गए, लेकिन उन्होंने भी जीभ निकाल के कुछ नहीं किया माननीय विधायक जी ने। मैं अटोरो से पंडित जब इनके पास गए थे, हमारा साथ दिया, इन्होंने डीसी को फोन किया कि 24 घंटे के अंदर हत्यारे का पता लगना चाहिए, और 24 नहीं 12 घंटे के अंदर पता लग गया था, जो कि एक मिनट तक लाश का पता नहीं था। मैं आपके प्रयासों से जुड़ा हूँ और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। खैर, वो मेरी व्यक्तिगत बात है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप एक कार्य इस टीवी शहर को पुनर्जीवित करने के लिए एक तो मेडिकल कॉलेज का जांच कराएंगे, तभी ये शहर जीवित रह सकता है, नहीं तो ये मुर्दों का शहर हो चुका है। और ये नंगी नई गिरी नहीं, ये नंगी टीवी है।